अल्हम्दुलिल्लाह, लगातार लॉकडाउन के ऐलान के बाद से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली एमएलए जनाब जाफर हुसैन साहब की हिदायत और नुमाइंदगी और यहाँ के कॉरपोरेटर एक्स मेयर ऑफ हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन साहब की खसूसी दिलचस्पी पर मेदीपट्टनम डिवीज़न में लगातार लॉकडाउन के बाद से फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है लगातार चल रहा है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने जिस तरीके से गैस सिलेंडर का भी आवाम को जो तकलीफ हो रही थी उसके लिए भी लगातार घरों तक पहुंचा रहे हैं। ये नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर है और यहाँ के एमएलए जाफर हुसैन मेरा साहब और माजी साहब की खुसूसी दिलचस्पी पर ये आवाम के मसले को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। आप डेले कितने पैकेट्स? हम लगातार यहाँ अब तक जो है सो 600 और 700 के दरमियान में लगातार बांट रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी 1000 पैकेट दिए गए जो मेदीपट्टनम डिवीज़न में बांटे गए हैं, और हम यहां पर 500 से 600 के दरमियान पैकेट तकसीम कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। किया गया है मस्जिद गुम्बद के मुसल्लियों के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने नकीब मिल्लत की आवाज़ पर बढ़कर हमारा साथ दिया, और ऑक्सीजन सिलेंडर जो ज़रूरत है इस वक्त जो लोग परेशान फिर रहे हैं उसके लिए हम लगातार कोशिश करते हुए उनके घरों तक जो ज़रूरतमंद है उनके घरों तक हम पहुंचा रहे हैं हमारे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर। शुक्रिया।